ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। ग्राम देवली तहसील कनवास के निवासी परमेंद्र पुत्र देवी शंकर राठी वगैरह के द्वारा कनवास उपखंड अधिकारी राजेश टागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की माल ग्राम देवली है, जिस पर जाने के लिए ग्राम गरनाना से खेडली कंदाफल जाने वाली ग्रेवल सड़क से खेतों में रास्ता जाता है, जो करीबन 40 वर्षों पुराना बताया जा रहा है। उक्त रास्ते ग्रेवल सड़क से खातेदान हरि नारायण आत्मज मांगीलाल राठी के लगवा निकलता है। उक्त रास्ते पर राम प्रसाद राठी निवासी देवली द्वारा कांटों की बाड़ लगाकर अवरुद्ध कर दिया तथा आगे राम कल्याण अहिर द्वारा पत्थर की मुड्डियां गाड़ दी, जिससे रास्ता अवरुद्ध होना बताया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश टागा ने अप्रार्थी गणों को न्यायालय में बुलाया गया व समझाइश की गई। इस पर दोनों पक्षकारों की सहमति बनी कि खसरा नंबर 188, 249, 190 एवं 246 की संपूर्ण पैमाइश करवाई जावे तथा उक्त खसरा नंबर की पैमाइश बाद खसरा नंबर 188 व 249 तथा खसरा नंबर 190 व 246 व 245 की पैमाइश बाद मेट तय की जावे तथा इसके बाद मेट तय होने पश्चात अप्रार्थी खसरा नंबर 188 के खातेदार व 249 के खातेदार दोनों खेत की मेड़ से 6-6 फीट रास्ता छोड़ेंगे। उसी प्रकार खसरा नंबर 190 व खसरा नंबर 246 व 245 की पैमाइश करवाई जाएगी तथा इसके पश्चात 6-6 फीट रास्ता हेतु अप्रार्थी गण को आने जाने हेतु छोड़ी जाएगी। उक्त रास्ते की भूमि व भविष्य में कोई भी अप्रार्थी गण द्वारा कब्जा नहीं करेंगे और न ही रास्ते को खत्म करेगा। खातेदार की पैमाइश हेतु कानून को देवली व पटवारी हल्का देवली को लिखा जाकर रास्ता कामी हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 188 व खसरा नंबर 249 खसरा नंबर 190 व खसरा नंबर 245 व 246 की पैमाइश करके मेट कायम की जावे तथा उक्त खसरा नंबर की मेट पर 6-6 फीट रास्ते दोनों तरफ कुल 12 फीट का रास्ता कायम कर निशानात लगाएंगे। इस पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से व एसडीएम राजेश टागा की समझाइश से दोनों पक्षकारों ने विवाद को यहीं समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित भूमि का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह कनवास उपखंड में अब तक 42 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराया जा चुका है। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, देवली कनवास जिला कोटा राजस्थान की खबर।